अजीज साथियों, अभी कर्नाटका रियासत कर्नाटका की गवर्नमेंट ने मुसलमानों को जो ओबीसी के अंडर 2B के एक सेक्शन में जो 4% रिजर्वेशन मिलता था, उस रिजर्वेशन को उन्होंने ये कहा है कि हम आपको 2B के अंडर नहीं बल्कि आपको हम EWS के अंडर, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके अंदर हम आपको जो है रिजर्वेशन देंगे। उसका उनका मानना यह है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में गरीबों को हम लोग, सारे कम्युनिटी के गरीबों को हम जो है उसमें रिजर्वेशन देंगे, तो इसीलिए आप भी जो है उसमें लेके चले जाइए। तो एक 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 नैरेटिव ऐसा भी हमारे सामने है कि हम लोग को सिर्फ 4% मिलता था, अभी हमको 10% में जाके हमको रिजर्वेशन में जाना है बोल के एक नैरेटिव हमारे बीच में लाया जा रहा है। तो इसमें हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि मुसलमानों को जो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है वो उनके मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि उनकी क्लास की बुनियाद पर, पिछड़े तबकात की बुनियाद पर उनको दिया गया है। यहाँ के जितने भी रिपोर्ट्स रहे हैं वो नागनगौड़ा कमीशन से लेकर, चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन से लेकर, LG हावनूर से लेकर, साचार कमेटी की रिपोर्ट तक भी ये चीज़ को मेंशन किए हैं कि मुसलमान जो है तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, माशी एतबार से पिछले तबकात में पाए जाते हैं। तो इनको ये, जब ये कहा गया कि इनको पिछड़े तबकात में पाए जाते हैं तो इनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन को लाया गया। रिजर्वेशन का मकसद ही ये है कि जो लोग दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े तबकात हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मुख्य वाहिनी में लाने के लिए उनको जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। तो हमारे मुसलमानों में से कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि हमको रिजर्वेशन कहाँ कहाँ मिलता है। तो अगर हम देखते चलें तो इसमें हम लोगों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, तालीम और उद्योग के सेक्टर में, दो सेक्टर में 2B के अंडर हमको मिलता है। अगर हम ऊपरी सतह पर देखें तो मेडिकल के जो नीट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर तकरीबन 300 सीट 2B को मिलते हैं। उसके बाद जो 1700 सीट जो है जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सीट है वो हमको मिलते हैं। ठीक इसी तरीके से स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अपने अपने डिपार्टमेंट्स में इतने इतने सीट जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग सीट मुसलमानों को दिए गए हैं। तो ये अलग अलग ये तालीमी एतबार से भी है। और इसके बाद से हम एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी अलग अलग जगह पर जो है मुसलमानों को 2B के अंडर रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये रिजर्वेशन को निकाल कर जो है उसको EWS के अंडर डालने की बात की जा रही है। EWS के अंदर जाने का सबसे बड़ा मसला ये है कि EWS जो है वो अपर कास्ट के लिए, अपर कास्ट के गरीबों के लिए बनाई गई एक स्कीम है जिसको इन्होंने रातों रात पास किया है। जो जहां जिस देश में किसी को रिजर्वेशन लेने के लिए इंटरनल रिजर्वेशन की जो बात करते हैं उनको 31 साल का लंबा जो है एक स्ट्रगल करना पड़ता है रिजर्वेशन लेने के लिए, जबकि एक अपर कास्ट कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के लिए रातों रात जो है पार्लियामेंट से बिल पास हो जाता है। और ये हमको समझना है कि मुसलमान कौम जो है, हम तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से हम इन अपर कास्ट के जो पोजिशन से हम उनमें पीछे हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये हम उनके साथ कॉम्पीट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आपको ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। इनकम कास्ट सर्टिफिकेट आप, हम लोगों को कैसे मिलती है पता है। जिनकी कितनी भी इनकम हो वो स्कॉलरशिप लेने के लिए वो बच्चे को 1 लाख के अंदर उसके वालिद की इनकम वो बता देता है। तो यहाँ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में अपर कास्ट का कोई भी आदमी जो है रिजर्वेशन ले सकता है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं होगी। लेकिन जो खसूसी तौर पे जो मुसलमानों को 2B के अंदर दिया जा रहा था, सिर्फ मुसलमानों के लिए जो रिजर्वेशन था उसको निकाल दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि मजहब की बुनियाद पे हम दिया गया था। अरे मजहब की बुनियाद पे तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया ही नहीं गया, मुसलमानों को रिजर्वेशन जो है उनके पिछड़े तबकात की वजह से दिया गया है। और इस पूरे मामले को हमको देखना है कि गवर्नमेंट ने कौन से वक्त में इस स्कीम को हमारे सामने गवर्नमेंट ने लाया है। अब हम देखते हैं तो इलेक्शन जो है 1.5 महीने में इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले उन्होंने ये लाया है, और उसमें भी उन्होंने 2 कास्ट को इसमें इन्वॉल्व किया है जो कर्नाटका की डोमिनेंट कास्ट हैं, एक वक्कलिगा और एक लिंगायत पंचमसाली। और इनको ये कह रहे हैं कि हम 4% आपका निकाल के 2% आपको दे दिए, 2% आपको दे दिए। ये यकीनन एक चुनावी, पूरी तरीके से एक चुनावी चाल है, इसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये पूरा प्योरली इलेक्शन गिमिक है जिसके अंदर वो ये चाह रहे हैं कि मुसलमान जो है रास्ते पर निकल आए, मुसलमान जो है वो जो है जोश में आकर जो रास्ते पे आए, मुसलमान नौजवान रास्ते पे आए, वो इसके लिए प्रोटेस्ट करें, धरने करें। और हम जब उनको बताएं कि ये देखो लिंगायत के वक्कलिगा के अगेंस्ट मुसलमान हैं क्योंकि जब हम इनको रिजर्वेशन देते हैं तो ये आते हैं, यकीनी तौर पर हम किसी
किसी लिंगायत के वकलिगा के खिलाफ नहीं है, यहाँ तो हम लोग सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले हैं, लेकिन आप जो चाल ये चल रहे हैं, भाजपा को हम लोगों को ये बोलना पड़ेगा कि ये जो चाल आप चल रहे हैं ये चाल आपकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, क्योंकि ये चाल को आपने महज सिर्फ इलेक्शन के लिए यूज इस्तेमाल किया है। जिस रिजर्वेशन जो लोगों को ऊपर लाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तरीका था, आपने उसको एक चुनावी मुद्दे तक बहुत ही महदूद कर दिया है। जो लोग रिजर्वेशन के खिलाफ सालों से बात करते आए हैं, आप उनको रातों रात रिजर्वेशन दे देते हैं। आप आज जो है, आपके लिए रिजर्वेशन कोई सामाजिक न्याय की चीज नहीं है, सोशल जस्टिस की चीज नहीं है, बल्कि इनके लिए रिजर्वेशन महज एक चुनावी मुद्दा है। आज इस देश के सारे कम्युनिटीज को समझना पड़ेगा कि ये महज एक चुनावी मुद्दा ही है। इसके लिए लीगल लड़ाई जो होगी वो हम लड़ेंगे। एसआईओ ये महसूस करता है कि ये जो पूरा सो खेल रचा गया है, जो सियासी खेल रचा गया है, इसके ट्रैप में हम लोगों को नहीं आना है, बल्कि हम लोगों को देखना है कि ये जो पूरा जिस तरीके से इसको हमारे सामने लाया जा रहा है वो एक चुनावी मुद्दा ही है। हम इसको वैसे ही एड्रेस करेंगे। जो लीगल फाइट होगी, हम लीगल फाइट के लिए पूरी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, लीगल फाइट के लिए हम लोग काम करेंगे। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, जो वर्दी जो पिछले रिपोर्ट्स लेने हैं, वो काम में हम लोग ऑलरेडी लग चुके हैं, वो काम हम करेंगे। साथ ही साथ हमारी कम्युनिटी में, कौम में रिजर्वेशन को लेकर जो मैच्योरिटी आनी चाहिए, रिजर्वेशन को लेकर जो सोच हमारी बननी चाहिए, उसकी अहमियत को लेकर जो गुफ्तगू होनी चाहिए, वो गुफ्तगू हम छेड़ेंगे। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ के रिजर्वेशन को अच्छे तरीके से समझें, कॉन्स्टिट्यूशन को समझें, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को समझें। उसके बाद जब हम लोगों के साथ बात करेंगे तो हम जो है इसी बुनियाद पर बात करके अपनी बात को मनवा सकते हैं। तो हम मैं एसआईओ, आप ये यहाँ के मुख्यमंत्री से, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से हम ये इल्तिजा कर रहे हैं कि आप जो है सिर्फ एक कम्युनिटी, एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप यहाँ के रहने वाले 650 करोड़ बाशिंदों के आप मुख्यमंत्री हैं। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको जो है सारे लोगों की डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। आप महज किस लोगों की, कुछ लोगों का आप ले लेंगे। आज मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं डालते, इसीलिए आप मुसलमानों का रिजर्वेशन ले लिए। कल के दिन कोई और कम्युनिटी कहेगी कि हम बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे, क्या आप उनका भी रिजर्वेशन छीन लेंगे? रिजर्वेशन आपकी वोट बैंक नहीं है, रिजर्वेशन जो है वो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक तरीका है, एक खूबसूरत रास्ता है। आप उसको छोड़ के महज इसको एक चुनावी मुद्दा बनाना रिजर्वेशन को, ये यकीनन जो है इस मुल्क के संविधान के खिलाफ है, इस मुल्क की संविधान की जो परिकल्पना है उसके खिलाफ है, इस मुल्क का जो सोशल जस्टिस का जो 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 कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ है। और ये जो आप जो कर रहे हैं, ये यकीनन ये घिनौनी और घटिया राजनीति जो आप कर रहे हैं, इसका आपको सिला इसी चुनाव में मिलेगा। हमें पूरे एतमाद के साथ हम ये बात कह सकते हैं। लिंगायत भी ये समझते हैं और यहाँ के वक्कलिगा भी ये समझते हैं कि आपने जो रिजर्वेशन दिया है महज उनको वोटों के लिए, महज उनके वोटों को लेने के लिए, महज उनको खुश करने के लिए दिया है, ना कि आप उनको यकीन तौर पर बहुत ही मुखलिसी अंदाज में, आप उनकी बढ़ोतरी भी नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप कैसे भी करके पावर में आए, आप एमएलए खरीदें, आप जो है यहाँ के लोग यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग करें, यहाँ के लोगों के ऊपर ईडी आईटी रेड कराएं, कैसे भी करके आपको अपनी पावर से मोहब्बत है, ना कि किसी समुदाय से, किसी जात से, किसी से भी आपको मोहब्बत नहीं है। अगर आपको मोहब्बत है तो पावर से मोहब्बत है। आप लोगों से मोहब्बत करना शुरू कीजिए, जब जाके आप लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे, हम ये आपसे आग्रह करते हैं।